जय हिंद स्टूडेंट्स, पीएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है मैथ का। मैथ का जो चैप्टर फर्स्ट है वो उसका नाम है क्या, सेट्स, सेट्स या फिर क्या कहते हैं इसे, समुच्चय कहते हैं। तो क्लास 11th का हम फर्स्ट चैप्टर आज से स्टार्ट करने वाले हैं, सेट्स। तो सबसे पहले जब डिस्कशन करते हैं कि सेट्स हमारे होते क्या है, तो अगर हम सेट की डेफिनेशन पर जाएं, तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट्स या फिर समुच्चय। समुच्चय क्या होते हैं, समुच्चय हम कहते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। और अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं तो द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट्स। तो समुच्चय होते क्या है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह से हमारा तात्पर्य यहाँ पर है कि जब हम ग्रुपिंग करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमने देखे हैं, जैसे क्लास के बच्चों का एक ग्रुप होता है जिसमें हम जानते हैं अगर किसी क्लास के बच्चे हैं तो हम उसे अलग से जो है डिफाइन कर सकते हैं या बता सकते हैं कि आप 11th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, उस क्लास में कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, इन सभी के बारे में जो है बताया जा सकता है। और जब क्लास को डिफाइन किया जा सकता है कहता है तो हम ये सभी कह सकते हैं कि उस क्लास में जितने भी बच्चे होंगे सभी 11th क्लास में ही पढ़ते होंगे। तो जैसे और भी हमारे पास वस्तुओं के संग्रह, वस्तुएं हुए, हमारे नंबर्स हुए, ये सभी एक संग्रह है। जैसे सम संख्याओं के समूह की अगर हम बात करें, क्या सम धन संख्याओं के समूह की बात करें, तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी हमारी कैसी संख्याएं हैं, सम धन संख्याएं हैं। तो सिर्फ एक लाइन से कि सम धन संख्याओं का समूह क्या होगा, हम ये अच्छे से जान जाते हैं कि उसके अवयव क्या होंगे, जैसे 2, 4, 6 या सम विषम विषम धन संख्याओं का समूह। तो विषम धन संख्याओं का समूह भी क्या होगा, 1, 3, 5, 7 इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं। जब सुपरिभाषित शब्द को इस्तेमाल किया जाता है इसका मतलब ये है कि हम उन्हीं वस्तुओं का चयन करेंगे जिन्हें हम अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकें और जो हम उस परिभाषा से संबंधित सभी अवयव उसमें मौजूद हों। अब बात करते हैं कि समुच्चय जो है ये किनके द्वारा बना विकसित किया गया था। तो समुच्चय का विकास जो है किन्होंने किया था, एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे जॉर्ज कैंटर, समुच्चय का विकास जर्मनी के गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। जॉर्ज कैंटर द्वारा किया गया। तो सेट्स का यूज हम किसमें करते हैं, जब भी समुच्चय का हम इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादातर जो हमारा इस्तेमाल होता है वो हमारा संबंध एवं फलन में, जो आपका 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है और 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो जब भी हम संबंध और फलन की बात करेंगे, तो अभी आने वाले वीडियोस में हम संबंध और फलन की भी चर्चा करेंगे, तो हम ये जानेंगे कि कैसे जो है हमारे समुच्चय का जो इस्तेमाल है वो सेट्स में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि समुच्चय को कैसे दर्शाया जाता है, क्या उसके गुण होते हैं और कैसे उसे दर्शाया जा सकता है, कैसे उसे परिभाषित किया जा सकता है। तो
इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं समुच्चय की, तो समुच्चय में समुच्चय को दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? समुच्चय को दर्शाने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी ये हो जाती है कि समुच्चय को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जैसे ए बी सी डी का प्रयोग करते हैं और अगर हमें इनके अवयवों को दर्शाना है कि समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, तो समुच्चय ए के अवयवों को दर्शाने के लिए तथा समुच्चय के अवयवों को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। तो समुच्चय के बारे में इतनी चीजें आप जान गए हैं कि समुच्चय का प्रयोग जो है संबंध एवं फलन को दर्शाने के लिए किया जाता है। समुच्चय का विकास जर्मनी के गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर द्वारा किया गया था। और समुच्चय क्या होता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं का वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब जब बात कर रहे हैं कि समुच्चय को दर्शाया कैसे जाता है, तो समुच्चय को दर्शाने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जैसे ए बी सी डी जेड तक कोई भी अक्षर लिया जा सकता है। और उसके अवयवों को दर्शाने के लिए हम जो है अंग्रेजी वर्णमाला के ही छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारी छोटी ए बी सी डी हो गई, ए बी सी डी, इस प्रकार से छोटे अवयवों का प्रयोग किया जाता है। अब जब हम बात करते हैं कि समुच्चय हमारे होते कितने प्रकार के हैं, तो चलिए समुच्चय के हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। समुच्चय हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला, या समुच्चय को दो प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है वो होता है सारणीबद्ध या फिर रोस्टर रूप, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो दोनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले है वो दोनों टाइप जो होते हैं उन्हें मैं लिख लेता हूं। पहला होता है रोस्टर रूप, रोस्टर अथवा सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप। और जो दूसरा टाइप होता है, दूसरा टाइप हमारा क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। अब अगर बात की जाती है रोस्टर रूप की, तो रोस्टर रूप में क्या है कि हम समुच्चय जब भी लिखते हैं तो उसके जितने भी अवयव हैं, सबसे पहले तो उन्हें हम एक कॉमा लगा के अलग अलग लिख लेते हैं। उसके बाद उन सभी को क्या करते हैं? मझली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ए हमारा कोई समुच्चय है जिसके अवयव ए बी सी डी ई एफ हैं, तो उसके अवयवों को क्या करेंगे? कॉमा लगा के सबसे पहले हम अलग कर देंगे। ये समुच्चय रोस्टर रूप जो है उसको लिखने का तरीका है कि रोस्टर रूप में कैसे उसे दर्शाया जाता है, कैसे उसे लिखा जाता है। तो अगर ए बी सी डी वो सभी क्या है? अवयव है किसके? समुच्चय ए के। तो हम उसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं? उसे सब कॉमा लगा के अलग अलग कर लेते हैं, उसके बाद मझली ब्रैकेट में उसे बंद कर देते हैं। अब
यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर ए जो है अवयव है किसका, ए का, मान लेते हैं कि ए अवयव है किसका, अवयव है समुच्चय ए का, तो इसे दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसे दर्शाने के लिए एप्साइलन का प्रयोग किया जाता है, इसे दर्शाने के लिए एप्साइलन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर ए अवयव है किसका, ए का, तो उसे दर्शाने के लिए हम एप्साइलन का प्रयोग करेंगे, हम लिखेंगे ए एप्साइलन ए, तो हम लिख देंगे कि ए अवयव है किसका, समुच्चय ए का। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ई कोई अवयव है जो समुच्चय नहीं है किसका, ए का, तो हम इसे लिख देंगे कि ई अवयव नहीं है किसका, समुच्चय ए का, तो उसे इस तरीके से दर्शाया जाएगा। यहाँ पर एप्साइलन को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। तो जब भी हम बात करेंगे कि ए जो है ए बिलोंग्स टू किससे, ए से, एंड ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो जब भी हम बात करेंगे किसके कि ए हमारा अवयव है या नहीं है, तो हम ए एप्साइलन ए अगर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अवयव ए समुच्चय ए का क्या है, एक एलिमेंट है, और ई जो है वो क्या है, समुच्चय ए का अवयव है या नहीं है उसको दर्शाने के लिए एप्साइलन नॉट का अगर हम साइन लगाते हैं इसका मतलब ई समुच्चय ए का अवयव नहीं है। तो इस प्रकार से किसी भी अवयव को दर्शाने के लिए कि वो समुच्चय से संबंधित है या नहीं है हम एप्साइलन का प्रयोग करते हैं। तो हम वापिस आते हैं अपने रोस्टर अथवा सारणीबद्ध रूप पर। तो सारणीबद्ध रूप में सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, जो हमारा समुच्चय है उसे क्या करेंगे, हम बड़े जो है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिख लेंगे ए बी सी डी जिससे भी हमें दर्शाना है। उसके बाद उसके अवयवों को क्या करेंगे, हम छोटे अक्षरों से लिख के बीच में कॉमा का साइन लगा देंगे, और उसके बाद जो है उसे मझली ब्रैकेट से हम बंद कर देंगे। ये जरूरी नहीं है कि अवयव आपके ए बी सी डी ही हो, 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, किसी का नाम भी हो सकता है या कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। अब जैसे इसी में हमें क्वेश्चन करते हैं कि हमें दर्शाना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का एक समुच्चय बनाइए। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का अगर हमें समुच्चय बनाना है तो वो कैसे बनेगा, रोस्टर प्रणाली में अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई भी समुच्चय मान लेंगे, वो क्या है, ए है बी है सी है कुछ भी हो सकता है, बस उसे कैपिटल लेटर से लिखना है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं, तो 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, सबको कॉमा लगा के हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे, उसके बाद मझली ब्रैकेट से हम क्या करेंगे, इसे बंद कर देंगे। तो ये तरीका होता है किसका, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप से किसी भी समुच्चय को दर्शाने का। इसी में एक और एग्जांपल करते हैं। एक और एग्जांपल करने के लिए हम मान लेते हैं कि अब हमें दर्शाना है कि जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, तो हमें अब दर्शाना है स्कूल, स्कूल को हमें लिखना है किसमें, समुच्चय में रूप में दर्शाना है या रोस्टर रूप में दर्शाना है। रोस्टर रूप में दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई समुच्चय मान लेंगे ए, उसके बाद इसके अवयव कौन कौन से हमें लिखने हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आने वाली है रोस्टर रूप की, किसको दर्शाने के लिए कि कैसे जो है, कोई अगर हमें इंग्लिश अल्फाबेट दिया गया है तो उसको दर्शाने के लिए हम कैसे जो है रोस्टर रूप का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन सभी लेटर्स को लिखेंगे जो सिर्फ एक बार आए हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखा जाता है तो अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर उसमें आए हो उन सभी को सिर्फ एक बार ही हम लिखते हैं, एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाता है। तो सबसे पहले स्कूल में एस आया है, एस लिख लेते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद सी आया है, सी को लिख लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एच आया है, एच को भी लिख लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर ओ 2 बार आया है लेकिन हमें 2 बार नहीं लिखना है, सिर्फ कितनी बार लिखना है, 1 बार लिखना है, और यहाँ पर फिर L।
तो एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी रोस्टर रूप में किसी भी समुच्चय को दर्शाया जा रहा है तो उसका कोई भी अवयव दो बार नहीं लिखा जाएगा, कोई भी अवयव। चलिए मैं यहां पर लिख भी देता हूं, रोस्टर रूप में पहली प्रॉपर्टी क्या है, रोस्टर रूप में किसी भी अवयव को दो बार नहीं लिखा जाता, दो बार नहीं लिखा जाता है। तो रोस्टर रूप में किसी भी अवयव को हम दो बार नहीं लिखेंगे। और सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि रोस्टर रूप में अवयवों का क्रम बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टी और हम रोस्टर रूप में देख रहे हैं कि रोस्टर रूप में किसी भी अवयव को दो बार नहीं लिखा जाता है और उस रोस्टर रूप में अवयवों का क्रम बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो अवयवों का हमारा क्रम क्या था, यहाँ पर अवयव ए ई आई ओ यू के तरीके से लिखे हुए थे, या फिर अगर हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यू ओ आई ई ए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसका क्रम तो बदल गया लेकिन इससे जो है हमारे समुच्चय पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो जो है आपका क्या रहता है, बिना किसी परिवर्तन के रहता है और वो बिल्कुल आपका सेम बना रहेगा और वो उन्हीं प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा जैसी पहली प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा था। तो यू ओ आई ई ए जैसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर थे वैसे ही अब भी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। एक और एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं एग्जाम्पल पपाया का। पपाया को हमें दर्शाना है किस रूप में, रोस्टर रूप में दर्शाना है पपाया के अवयवों को। तो PAPAYA इसे हमें क्या लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो इसे लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक समुच्चय मान लेंगे, ABCD कैपिटल लेटर में होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसके अवयवों को दर्शाना है, तो सभी अवयवों को क्या करना है, हमें दो बार नहीं लिखना है। तो दो बार नहीं लिखना है तो उन सभी अवयवों को लिख लेंगे जो सिर्फ एक बार आए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके सिर्फ तीन ही अवयव हैं और रोस्टर रूप में अवयवों का क्रम अगर बदलता है तो उससे समुच्चय पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर कितने इसके अवयव होंगे, तीन अवयव होंगे, पी ए और वाई। तो इस प्रकार से रोस्टर अथवा सारणीबद्ध रूप को हम दर्शाते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप के और भी बहुत सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब जो है हम अपने दूसरे टॉपिक या दूसरा जो हमारा रूप है समुच्चय को दर्शाने का, समुच्चय निर्माण रूप, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अगर जब भी समुच्चय का बनाया गया है या किन्हीं भी वस्तुओं का जो है हम ग्रुप बनाते हैं तो हम ये जानते हैं कि उनमें कुछ न कुछ सिमिलरिटीज है। अगर वो समुच्चय है तो उनके अंदर कोई ना कोई समानता जरूर होगी। अगर कोई ना कोई समानता जरूर है तो उन्हें उस समानता के द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, केवल हम बात करने वाले हैं समुच्चय निर्माण रूप की। तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि समुच्चय निर्माण रूप में प्रत्येक अवयव में कुछ न कुछ या कोई न कोई कोई समानता अवश्य होती है, अवश्य होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा समुच्चय है,
इसको दर्शाते हैं हम ए आई ओ यू, ये हमारा रोस्टर रूप है। अगर हमें इसे समुच्चय निर्माण रूप में दर्शाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए लिख लेंगे, उसके बाद हम मजली ब्रैकेट के शुरू करके इसमें लिखते हैं क्या, एक्स। एक्स की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, वाई जेड कुछ भी। उसके बाद एक कॉलम का प्रयोग करते हैं, कॉलम के बाद हम क्या करते हैं फिर से एक्स लिखते हैं और जो इनकी समानता होगी उसको जो है एक लाइन में दर्शा देंगे या इसकी प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कर देंगे। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे इसे बंद कर देंगे। तो इसे हम कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप, जिससे जो है समुच्चय का निर्माण किया जा सके तो हम उस रूप को लिखते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्स क्या है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। इस तरीके से इसे दर्शाया जा सकता है। तो एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको समुच्चय की बात की जाएगी तो वहां पे अगर आपको समुच्चय निर्माण रूप में उसे लिखना है तो रोस्टर रूप आपको जरूर दिया जाएगा, और अगर उसे रोस्टर रूप में लिखना है तो समुच्चय निर्माण रूप हमें दिया जाएगा। इसी के आधार पर हम इसे जो है आप लिख सकते हैं। अब चलिए इसी से रिलेटेड, समुच्चय निर्माण रूप से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमारा ए जो है कोई समुच्चय है जिसके अवयव है हमारे 2, 4, 6, 8, 10। तो इन्हीं की बात करते हैं। मान लेते हैं कि ए हमारा कोई समुच्चय है जिसके अवयव है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब अगर इसे आपको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ए लिखेंगे, मजली ब्रैकेट शुरू करेंगे, उसके बाद एक्स, फिर सेमी कॉलन एक्स। अब यहाँ पर ये क्या है, ये हमारी सम संख्याओं का क्या है, संग्रह है। क्या है, सम संख्याओं का संग्रह। तो हम लिख सकते हैं एक्स क्या है, एक्स सम धन संख्याएं हैं, एक्स सम धन संख्याएं हैं। और थोड़ा सा आपको यहाँ और डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि सभी सम धन संख्याएं जब हम कहते हैं तो सम धन संख्याएं जो हमारी 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ये संख्याएं 2 से शुरू होकर 12 पे खत्म हो रही हैं, तो हमें एक लाइन और लिखनी पड़ेगी कि ये सभी सम धन संख्याएं 2 या 2 से बड़ी हैं और यहाँ पर सम धन संख्याएं क्या है, 12 या 12 से छोटी हैं। तो 2 और 12 के बीच की सभी सम धन संख्याएं जो है हमारे समुच्चय रोस्टर रूप में जो है हमने यहाँ पर लिखी हैं, और उनको समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अगर इसी से रिलेटेड और आगे बढ़ा जाए तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम विषम संख्याओं का समूह ले लेते हैं। मान लेते हैं ए हमारे पास कोई समुच्चय है और इसमें 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्याओं को दर्शाने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ए के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एक्स सेमी कॉलन एक्स, और उसके बाद लिखेंगे एक्स क्या है, एक्स विषम धन संख्या है, एक्स विषम धन संख्या है, विषम धन संख्या है। अब एक्स कहाँ से, एक्स एक से छोटा और बराबर है, तो हम लिख देंगे एक्स क्या है, एक से छोटा और बराबर है, और सॉरी एक्स ए से बड़ा है और बराबर है, और क्या है, 9 से छोटा है और बराबर है। इतना लिखने के बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है समुच्चय के दोनों रूपों को मैंने बताया कि रोस्टर रूप में आपको किस प्रकार से दर्शाना है और उसके बाद समुच्चय निर्माण रूप में आपको उसको किस प्रकार दर्शाना है। आगे आने वाली जो वीडियो है उसमें हम पहली एक्सरसाइज या फिर उससे रिलेटेड जो हमारे एग्जाम्पल होंगे वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आगे के लिए आप ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोज़ अपलोड हो सकें और आप सभी के जो है स्टडी में हेल्प हो सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।